आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ़ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं है। कैसे हैं आप सभी आप सबका करुआ चौथ कैसा रहा मैं यहाँ तैयार हो गई हूँ सुबह का टाइम है सुबह चार बजे के करीब मैं उठ गई थी और पाँच बजे तक मैंने सर्गी खा ली थी उसके बाद पूजा पाठ करके अभी मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ और यहाँ पर कुछ थोड़ी सी क्लिप्स ली करवा चौथ का जो व्रत है वो सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को चंद्रमा निकलने तक का व्रत माना जाता है इस दिन सुहागने पूरा श्रृंगार करती है यानी कि सोलह श्रृंगार जो पूरा श्रृंगार माना जाता है वो सुहागिने करती हैं कुछ जिनकी अंगेजमेंट हो जाती है लड़कियां वो भी इस व्रत को कर सकती हैं तो यहाँ चंद्रमा अभी निकल चुका है शाम के साढ़े आठ का टाइम है और यहाँ मैंने चंद्रमा को अर्घ दे दिया और चंदा मामा की पूजा कर ली और ये आज का दिन जो चंदा मामा का वेट होता है पूरे संसार की सुहागिने आज चंद्रमा का वेट करती हैं और चंद्रमा फुल स्विंग में है आज निकला है फुल स्विंग में चंद्रमा और सभी इस टाइम कुछ लोग तो पटाखे भी चलाते हैं तो पटाखों से पता चल जाता है कि चंद्रमा निकल आया है और आप लोगों का करुआ चौथ का व्रत कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाई क्योंकि क्लिप्स लेने में टाइम लगता है तो पूजा रह जाती है इसलिए जो थोड़ी सी क्लिप्स ली थी वो मैंने आपके साथ शेयर की मेरी वीडियो को आप पूरी देखना क्योंकि हर एक वीडियो में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और अभी करुआ चौथ के चार दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत भी आता है जिसे कि संतान वाली माँ माएँ लेती हैं और वो भी अभी चार दिन के बाद है तो माना जाता है कि जिस करुए से हम चंद्रमा जी को अर्घ अर्घ देते हैं उसी करुए से तारे को भी अर्घ दिया जाता है यानी कि अहोई अष्टमी का चक्रे का जो व्रत खोला जाता है तो इसमें चंद्र तारा तारा को तारा जी को अर्घ दिया जाता है तो उसी करवे से हमें अर्घ देना चाहिए जिस करवे से हमने चंदा मामा को अर्घ दिया है तो पहले पति देव जी के व्रत का अर्घ दिया जाता है उसके बाद बेटे के यानी कि संतान के व्रत का अर्घ चंद्रमा को उसी करवे से दिया जाता है तो मेरी ये छोटी सी वीडियो थी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं